अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, चलते हैं आप चिकन की तरफ। किस तरीके से इसकी मैरिनेशन करनी है और किस तरीके से इसको रेडी करना है। 1.5 kg मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। व्यूअर्स के देखें, इस पे मैं रेड चिलीज ऐड करूंगी 1 tablespoon, 1 tablespoon गर्म मसाला, 1 tablespoon इस पे चिली फ्लेक्स एंड 1/2 tablespoon इसमें मैं सॉल्ट ऐड किया है, 1 tablespoon ब्लैक पेपर एंड 1 tablespoon सूखा धनिया पाउडर, और इस पे मैं अपना होममेड टिक्का मसाला ऐड करूंगी 1 tablespoon। व्यूअर्स, अब मैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए, और इसमें मैं 2 to 3 tablespoon विनेगर ऐड करूंगी। देखें, इसकी मिक्सिंग ऐसे करने के लिए चिकन को हमने 3 to 4 hours के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। ये देखें माय लवली व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है, मैरिनेशन हो चुकी है इसकी अच्छे से। अब मैं एक पैन लूँगी, इसमें मैं 3-4 tablespoon ऑयल ऐड करूँगी। मैंने इस ऑयल में इस चिकन को ऐड कर दिया। जैसे ही इस चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझें कि चिकन रेडी होना शुरू हो चुका है। 5 to 10 minutes में हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा। ये देखें, अच्छे से इसमें बबल्स बन रहे हैं। ये देखें, हमारा चिकन रेडी हो चुका है।